जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो सीएजी के संदर्भ में है। ज्यादातर लोगों को, जवानों को ये नहीं पता है कि सीएचडी का एक कोर्ट केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लड़ रही है, और वो है सीएचडी के अंदर जो जेसीओ और जवानों तथा अफसर्स के बीच में जो विसंगतियां हैं। अफसर्स को ज्यादा सीसी की गाड़ी दी जाती है और बार बार दी जाती है, जबकि जेसीओ ओआरस को कम सीसी की, कम बजट की गाड़ियां दी जाती हैं और सर्विस में दो ही गाड़ी दी जाती है। इस तरह की जो विसंगतियां हैं इसके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है जिसकी 20 दिसंबर को हियरिंग थी। आज मैं आपको उसका अपडेट दूंगा। दूसरा दोस्तों, जनवरी 2022 से अब आपके लिए फोर व्हीलर और टू व्हीलर की जो प्राइसेस है वो क्या है उसकी जानकारी दूंगा, यानी कि अब आपको जनवरी के बाद किस रेट में ये गाड़ियां मिलेंगी, किस रेट में आप रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं, किस रेट में अब आप टीवी खरीद सकते हैं, नए रेट एसी के क्या हैं, वॉशिंग मशीन के क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों जितना ऑथराइजेशन लिमिट है, रैंक वाइज किसको कितना ऑथराइज है और क्या लिमिट है उसकी जानकारी दूंगा। ये आपके लिए टोटल लेटेस्ट अपडेट आज आपको मिलेगी सीएचडी के अंदर। तो दोस्तों अब देखिए, सीएचडी ऑल ब्रांडेड आइटम्स प्राइस लिस्ट, कार, बाइक, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये आपके सामने है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट प्राइस लिस्ट ऑफ कार्स, बाइक, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशन। अब यहाँ ये आपके सामने नोमेनक्लेचर है और ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ मारुति 2022 इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मारुति के जितने भी मॉडल की कार्स हैं उन सब की प्राइस लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों टोयोटा, फोर्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, निसान, स्कोडा, टाटा, वॉक्स वैगन, ये आ जाएंगी। जैसे यहाँ आपके सामने ये सब रेड में है और ये ब्लैक में है, यानी कि महिंद्रा की जो लेटेस्ट कार प्राइस लिस्ट है वो अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों ये आपके लिए फोर्ड, हुंडई, निसान, जीप, अब यहाँ देखिए टीवीएस, होंडा, यामा, रॉयल इनफील्ड, बजाज, हीरो, यानी कि ये बाइक्स की हैं। उसके बाद ये आपके सामने आ गया टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एंड अदर्स। यहाँ देखेंगे एलजी का, सैमसंग का, आईएफबी, गोदरेज, पैनासोनिक और वर्लपूल, ये सारे के सारे मॉडल जो यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए हुए हैं उनका जो भी आपको मॉडल चाहिए वो उस तरह से आप उस पर क्लिक करेंगे तो उनकी प्राइस लिस्ट निकल कर आपके सामने आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आपके सामने जब ये मारुति 2022 का लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये एक नया पेज खुलकर आया। यहाँ आप देखेंगे कि ये मारुति की कार की प्राइस लिस्ट आपके सामने आ गई। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इंडेक्स कोड ये दिए हुए हैं, मॉडल कौन सा गाड़ी है वो, सीएचडी आरटीजीएस अमाउंट ये देखिए और ऑन रोड प्राइस ये इस तरीके से आपको हर एक गाड़ी का मिल जाएगा। जैसे विटारा ब्रेजा है, विटारा ब्रेजा अलग अलग वेरियंट है, ये आपके सामने सारे स्विफ्ट का है, ये सब मॉडल आपके सामने एक एक करके मारुति के जितने भी मॉडल हैं सबकी गाड़ियों के प्राइस मिल जाएंगे। उसी तरीके से अदर जो कार कंपनीज हैं उनकी गाड़ियों के आपको प्राइस लिस्ट भी मिल जाएंगी, लेटेस्ट जो जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हुई है वो अपडेटेड लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। और आप अपने हिसाब से जो गाड़ी आपने खरीदनी है, चाहे वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, वो आप चूज कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सीएचडी के थ्रू आपके लिए जो रिवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरीके से है। बिलो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी कि जवानों के लिए पे लेवल 3 to 6, मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए की है, 6 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं विदाउट जीएसटी, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। और दोस्तों फर्स्ट कार तभी आप ले सकते हो जब आपकी 5 साल सर्विस पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए आप रिटायरमेंट के बाद ही ले पाएंगे।
लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उससे पहले अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो दोनों गाड़ियों के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए, यानी कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी खरीदने के बीच में 8 ईयर्स का गैप मैंडेटरी है। अब देखिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी पे लेवल 7 to 9 ये 7 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं विदाउट जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अब ये भी पहली गाड़ी 5 साल की सर्विस के बाद ही ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो जेसीओ बन जाते हैं, अगर किसी ने सिपाही रैंक में लिए और 8 साल का गैप हो गया तो जेसीओ बनने के बाद वो ले सकते हैं। अगर उन्होंने लास्ट टाइम में लिए हवलदारी रैंक में ली है और जेसीओ की सर्विस 8 साल से कम है, यानी कि पहली गाड़ी खरीदने के और दूसरी गाड़ी सर्विस में रहते हुए 8 साल पूरे नहीं हो रहे, तो नहीं खरीद सकते। अगर आपने पहली गाड़ी ली हुई है और उसके बाद 8 साल पूरे हो जाते हैं, उस समय आप जेसीओ हैं, तो फिर आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद फिर आप एक गाड़ी और ले सकते हो, यानी कि जेसीओ टोटल 3 गाड़ी खरीद सकते हैं, जवान 2 गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हर एक बार गाड़ी खरीदने के बीच में 8 साल का अंतर आना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, ऑफिसर्स पे लेवल 10 से लेकर 18 तक 15 लाख रुपए तक की विदाउट जीएसटी गाड़ी खरीद सकते हैं, और ये लोग कभी भी कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी कि उनके लिए 5 साल की जो मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है, और कितनी भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन 2 गाड़ी खरीदने के बीच में 8 साल का गैप इनको भी रखना होगा। अफसर लेवल के जो डिफेंस सिविलियन है वो भी पे लेवल 10 से 18 के, उनके लिए भी वही कंडीशन है जो अफसर्स के लिए लागू है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो सीएजी का केस चल रहा है उसका क्या डेवलपमेंट है, ये आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, यहां देखिए आपके सामने है केस स्टेटस, यानी कि जो केस है, जो आप भी अपने आप इसको चेक कर सकते हो कभी भी, लेकिन अब मैं फिलहाल ये अपडेट दे रहा हूं। ये जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये केस का दिल्ली हाई कोर्ट का अपडेट जजमेंट क्या हुआ वो निकल के आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 20 दिसंबर 2021 को ये जो हियरिंग होनी थी उस दिन कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, आपको केस का अगली तारीख मिल गई। ये कोर्ट नंबर 1 के लिए 11 फरवरी 2022 के लिए लिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि अब आपकी जो सीएचडी के ऊपर हियरिंग होनी है वो 11 फरवरी 2022 को होगी। उस दिन क्या रिजल्ट निकल कर आता है, हियरिंग होती है या फिर लिस्टेड हो जाती है या फिर लॉकडाउन के कोविड के कारण हियरिंग ही नहीं होगी, ये सब तब पता चलेगा जब ये तारीख आएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीएजी के संदर्भ में, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।